काफ़ी समय पहले की बात है, जॉन रेमलिंग नाम का एक इंजीनियर था जो 1883 में न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड के बीच में एक पुल बनाना चाहता था, लेकिन किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि सबको लगता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन जॉन को लगता था कि यह मुमकिन है। फाइनली जॉन ने अपने बेटे वॉशिंगटन की मदद से पुल बनाना शुरू किया। दोनों ने ये पुल बनाने के लिए हजारों नक्शे बनाए और हर सिचुएशन को फेस करते करते आगे बढ़ते रहे। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एक्सीडेंट में जॉन की मौत हो गई और वॉशिंगटन के ब्रेन में चोट लगने से वह बात करने लायक भी नहीं रहा। उनकी फिजिकल डिफॉर्मिटी के बाद भी परेशान ना होते हुए वॉशिंगटन ने हॉस्पिटल बेड पर लेटे रहने के बावजूद इशारों से अपनी पत्नी को पुल के कंस्ट्रक्शन की आइडियाज दिए। 13 साल बाद पुल बनकर कंप्लीट हो गया और उस पुल का नाम ब्रुकलिन ब्रिज रखा गया, जो अपनी विशालता के चलते आज भी फेमस है। वॉशिंगटन की लाइफ से ये स्पष्ट होता है कि अगर विल स्ट्रांग हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हार वो लोग मानते हैं जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.